देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। सत्ता की गुंडागर्दी खिलाफ कार्रवाई के एसएसपी से मिले सपा नेता। आपको बताते चलें, बरेली जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष अगम मौर्य के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला एवं पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव पर हुए कल रात हमले की शिकायत की। साथ ही जिले भर में हो रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का शोषण का फर्जी मुकदमों पर जांच कराने की मांग करी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष समामी सुल्तानी, महिपाल सिंह यादव, अवतार रहमान, विजय पाल सिंह, सत्येंद्र यादव, रविंद्र यादव, गौरव सक्सेना, भूपेंद्र कुर्मी, रईस मियाँ, आपसी मयंक शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं। हम लोग, हमारे छोटे भाई जगमोहन सिंह यादव अब तक भुता ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख थे और वो ही पुनः चुनाव लड़ रहे हैं भुता ब्लॉक से प्रमुखी का। अभी हम लोगों ने सबकी दावत भी करी थी मेंबरों की। रात हम लोग क्षेत्र में घूम के लगभग 12 बजे बरेली आ रहे थे। हाईवे नवदिया मोड़ से हमारे पीछे 5-6 गाड़ियाँ लगीं और उन 5-6 गाड़ियों ने आगे पीछे हमसे साइड लेने की कोशिश की, मगर हम लोग जब हरू नगला और ग्रीन पार्क और ये बीसलपुर चौराहे के बीच में आए, उन्होंने 2 गाड़ियां आगे लगा के रोड ब्लॉक कर दिया और साइड से गाड़ियां लगा ली। 20-25 लोग उतरे, उन्होंने गाड़ियों पर डंडे मारे और डंडे मार के हमारा बैग रखा था, बैग में 62,000 रुपये थे, वो ले गए छीन के और हमारे ड्राइवर का मोबाइल लगे, ड्राइवर के चोट भी लगी है। ड्राइवर को बुलाओ, ड्राइवर के चोट भी लगी है, ये देखिए, ये ड्राइवर के चोट लगी है। और धमकी दे के गए और के अगर वोट मांगने गए तो हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। साथ ही एक गांव भगवंतापुर है, वहाँ 5 मेंबर हैं, वहाँ मेंबरों के पास गए, बोले हम नॉमिनेशन नहीं होने देंगे। मुस्लिम मतदाताओं को और गरीब मतदाताओं को बुरी तरह से धमका रहे हैं और चुनाव में बाधा पैदा कर रहे हैं। तो हम इसी बाबत कप्तान साहब से मिलने आए। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि तुरंत कार्रवाई करेंगे और बाकी हम लोग तो शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुंडई जिस तरह से चल रही है इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे।